आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज, नीति कथाएं, कहानी चार, सांप और घोड़ा। उग्रश्रवा सोती ने शौनक और ऋषियों को दक्ष की पुत्रियों कद्रु और विनिता के बारे में बताया। कद्रु और विनिता ब्रह्मा के पोते और मारीच के बेटे कश्यप की पत्नियां थीं। कद्रु ने कश्यप से एक सहस्त्र नागों को पुत्रों के रूप में मांगा था। विनिता ने कश्यप से दो ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के पुत्रों से ज्यादा बलवान हो। कश्यप ने कद्रु और विनिता दोनों को उनके मनचाहे वर दिए थे। सौती ने फिर संक्षेप में समुद्र मंथन की कथा सुनाई, कैसे देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा और कैसे विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर दानवों को अमृत से वंचित कर दिया था। सोती ने फिर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए घोड़े पर लगे कद्रु और विनिता के पण की कहानी सुनाई। समुद्र मंथन के समय एक सुंदर और अतुल्य पराक्रम वाला घोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर कद्रु ने विनिता से कहा, हे भद्र महिला, ये ऊंचे घोड़े किस रंग का है बताओ, विलंब मत करो। विनिता ने कहा, ये घोड़ों का राजा श्वेत ही है, शुभे अथवा तुम क्या जानती हो, तुम भी इसका रंग बताओ, फिर हम यहाँ इस पर बाजी लगाएंगे। कद्रु ने कहा, हे मधुर मुस्कान वाली, मैं मानती हूँ कि इसकी पूछ काली है, हे सुंदरी, आओ मेरे साथ दासी होने के लिए बाजी लगाओ। इस प्रकार वो दोनों परस्पर एक दूसरे की दासी होने का पर्ण करके और हम कल देखेंगे ये कहकर अपने अपने घर चली गईं। फिर कपट करने की इच्छा वाले कद्रु ने अपने सहस्त्र पुत्रों को आज्ञा दी, काजल के जैसे काले बाल बनकर घोड़े की पूंछ में घुस जाओ, जिससे मैं दासी न बन सकूं। जिन सांपों ने उनकी बात नहीं मानी, कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया। पांडवों के वंशज बुद्धिमान राजश्री जन्मजय का सर्प सत्र जब होगा, तब अग्निदेव तुम सबको जला देंगे। स्वयं पितामह ब्रह्मा ने कद्रु द्वारा दिए गए इस अत्यंत क्रूर श्राप को सुना। ये प्रबल देव के कारण ही था। सांपों की बहुलता देखकर और प्रजा के हित की कामना से सब देवगणों के साथ ब्रह्मा ने उस श्राप का अनुमोदन कर दिया। ये सांप बहुत डसते हैं, यह सहा पराक्रम और विष से युक्त हैं और बहुत बलवान भी। इनके तीखे विष के कारण और प्रजा के हित के लिए माता ने इनके साथ ठीक ही किया। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उनके पास जाना इनका स्वभाव है। जो अन्य जीव भी सदा ऐसे दोषों में लगे रहते हैं, देव द्वारा उन्हें प्राणों के अंत तक दंड दिया जाता है। ब्रह्मा देव ने ऐसा बोलकर और कद्रु का आदर करके तब कश्यप को बुलाया और ये बात कही, हे निष्पाप कश्यप, ये जो बहुत डसने वाले सांप आपने जने हैं, इनका विष बहुत गाढ़ा और शरीर विशाल है। हे शत्रुओं को तपाने वाले, इनकी मां ने इन्हें श्राप दे दिया है। तात, इस विषय में आपको किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। यज्ञ में सांपों का विनाश होगा, ये बहुत पहले से पता है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने प्रजापति महात्मा कश्यप को प्रसन्न करके उन्हें विष उतारने की विद्या दी। जब कद्रु ने सांपों को श्राप दे दिया, तब उनके श्राप से उद्गिन करकोटक नाम की श्रेष्ठ नाग ने माता कद्रु से परम प्रेम से कहा, काजल के जैसा काला बाल बनकर और घोड़े की पूंछ में घुसकर मैं अपने को वहां अवश्य दिखाऊंगा, आप पूरी आश्वस्त हो जाएं। यशस्विनी कद्रु ने अपने पुत्र को उत्तर दिया, एवं अस्तु। इधर नागों ने मिलकर निश्चय किया, हमें उनकी बात माननी चाहिए, यदि उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो स्नेह से रहित हमारी माता हमें जला देंगी, और यदि वो प्रसन्न हुई तो हमारी सुंदर माता हमें श्राप से मुक्त कर देंगी, इसीलिए हम घोड़े की पूंछ अवश्य काली करेंगे। तब वो सब जाकर घोड़े की पूंछ में बाल बनकर स्थित हो गए। इसी बीच पण करने वाले वो दोनों सौते वहां आई। दक्ष की पुत्रियां कद्रु और विनिता, ये दोनों बहनें फिर से पण करके अत्यंत प्रेम पूर्वक
आकाश मार्ग से जलनिधि समुद्र को देखते हुए महासागर के दूसरे छोर पर गई। अक्षोभ्य होते हुए भी वो समुद्र अत्यंत प्रबल वायु से सहमा शुद्ध हो उठा था। वो महासागर बहुत ऊंचा शब्द कर रहा था। वो तिलमिंगल से परिपूर्ण और मगरमच्छों से भरा हुआ था। कई प्रकार के अनेक सहस्त्रों भयानक जीवों से युक्त वो घोर महासागर अजय, गंभीर और अत्यंत डरावना था। नदियों का स्वामी वो महासागर सभी रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान और नागों का अत्यंत रम्य घर था। वो शाश्वत महासागर पाताल तक व्याप्त वाटवाग्नि का आवास, असुरों और भयंकर जीवों का आलय और जल का निधान था। अमृत का आकार होने के कारण वो शुभ्र और देवों के लिए भी परम दिव्य था। बहुत पवित्र जल से युक्त महासागर अप्रेमय और अचिंत्य था। जहां तहां सहस्त्रों बड़ी नदियों से निरंतर भरा जाता हुआ महासागर अपनी लहरों के साथ नाच सा रहा था। तरल से तरल तरंगों से भरा हुआ वो गहरा और विकसित महासागर आकाश के समान नीले प्रकाश का था। उसके भाग पाताल तक जलने वाली वाटवाग्नि की लपटों से प्रकाशित थे। वो दोनों बहनें तुरंत उस गरजते हुए महासागर को पार कर गईं। उस समुद्र को पार करके शीघ्र चलने वाली कद्रु और विनिता के साथ घोड़े के पास नीचे उतरी। तब फिर उन दोनों बहनों ने उस महान वेगशाली श्रेष्ठ घोड़े को देखा। घोड़ा चांद की किरणों के जैसे श्वेत था, पर उसकी पूंछ काली थी। पूंछ में बहुत सारे काले बालों को देखकर विनिता का मुंह लटक गया। कद्रु ने विनिता को दासी कर में नियुक्त कर लिया। उस समय विनिता उस पण को हार कर दुख से संतप्त हो गई और दासी भाग को प्राप्त हुई। कद्रु और विनिता ने जब पण किया था, तब तक विनिता के दूसरे अंडे से गरुण बाहर नहीं आए थे। इससे पहले अधीर होकर विनिता ने अपने दो अंडों से एक को फोड़ दिया था। उस फोड़े गए अंडे से अरुण निकले थे। अरुण का शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी माता को श्राप दिया कि वो 500 बरस तक कद्रु की दासी बन जाएंगी और आगे कहा था कि उनका दूसरा बेटा गरुण उन्हें दासीपन से मुक्त करेगा। जिस समय कद्रु ने विनिता को अपनी दासी बना लिया, उसी समय दूसरे अंडे से गरुण बाहर निकले। देवताओं और ऋषियों ने गरुण की स्तुति की। अपनी माँ को देखकर गरुण महासागर के दूसरे छोर पर आए। आगे चलकर गरुण ने नागों के लिए अमृत लाकर अपनी माँ विनिता को कद्रु के दासित्व से छुड़ाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पण, द्यूत, जुआ ये सब दोष सिखाती है। द्यूत खेलना अथवा पण करना स्वाभाविक रूप से कपट युक्त है। कद्रु ने इस पण में विनिता को धोखा दिया। परिणामवश विनिता को कद्रु की दासी तब तक बनना पड़ा जब तक गरुण ने उन्हें नहीं छुड़ाया। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो छल करने वालों में जुआ है। उसका अर्थ है जुआ छल युक्त क्रियाओं में सबसे ऊपर है। सभी लोगों को जुए से दूर रहना चाहिए। आज के लिए नीति कथा की इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।